हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आज हमारा आरआरबी पीओ का जो मेंस रिजल्ट है वो अभी आ चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन जिन्होंने अभी बस वन स्टेप अहेड हो आप अपना फाइनल सिलेक्शन का। सो बस आपको और एक स्टेप आगे लेना है एंड अपना जो फाइनल लाइन है इंटरव्यू को अच्छे से स्कोर करना है। बहुत सारा ऐसा भी एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको मेंस में अच्छा स्कोर होने के बाद भी अगर आप इंटरव्यू को इग्नोर करते हो देन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। सो बाय नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हमारा बस एक ही फोकस होगा कि दिस इज द थिंग वी आई नीड टू डू। मतलब अपना जो 100% है ना उससे जितना भी हो सके बस एफर्ट्स के ऊपर फोकस करो एंड अपना बेस्ट दो। तो इंटरव्यू के लिए अभी क्या करना है आपको, बस अपना बेसिक सब कुछ साइड कर लो, ठीक है। जो भी मेंस एग्जाम है आप उसको मैनेज कर सकते हो, पर जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो साइड में, अभी आपको लास्ट वन मंथ में जो 1 to 2 months में जो हॉट न्यूज है उसके ऊपर फोकस कर लो, थोड़ा करंट न्यूज़ के ऊपर आपको टारगेट करना है। साथ ही साथ जितना बैंकिंग का बेसिक नॉलेज है उसको बस आप कवर कर लो, आपके अंदर से ज़्यादा डीपली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, जस्ट यू नीड टू नो द बेसिक थिंग्स एंड प्रैक्टिकली थोड़ा आपको एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो इसके रिलेटेड अगर आपको फुल वीडियो चाहिए देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हम इसका अरेंजमेंट डेफिनेटली करेंगे। सो मेन इंपॉर्टेंटली मेरा जितना अभी तक एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के हिसाब से कि आपका जो इंटरव्यू में ना देर इज़ नथिंग लाइक रॉन्ग या राइट कि आप क्या बोल रहे हो आपको कितना आता है। बस मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यू नीड टू मतलब आपका जो फोकस है ना कि लॉन के ऊपर आप इंटरेस्टेड हो एंड आप अपने आप को प्रिपेयर किए हो कि भाई कुछ भी सिचुएशंस हो आप उसके लिए अडेप्टेबल हो, साथ ही साथ यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कम्फर्टेबल इन ऑल द रैंडम सिचुएशंस। सो अपने आपको जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा डेवलप कराओ। नर्वसनेस इंटरव्यू के अंदर जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई ऐसा फॉर्मल इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर नर्वसनेस डेफिनेटली रहेगा, बस जो उस पर्टिकुलर नर्वसनेस को होल्ड कर देता है ना फाइनली सिलेक्शन उसी का हो जाता है। बिलीव मी यू विल ऑल्सो फील द सेम। बस अभी आपको जो बेसिक थिंग्स है एचआर तीनों पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया एचआर वाला और एक हो गया टेक्निकल और आपका इंट्रो बेस्ड और कुछ रहेगा सिचुएशन बेस्ड, ठीक है। रूरल बैंक है तो रूरल बैंक में क्या क्या होता है उसका डेफिनेटली आपको फुल्ली डिटेल्स थोड़ा जान लो, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है और क्या क्या डिपोजिट्स सेविंग्स एंड ये क्यों होता है, हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, तो ये दीज आर द बेसिक थिंग्स, इसमें आपको ज़्यादा डीपली जाना नहीं पड़ेगा। कासा होता है हर बैंक में रहता है, वहाँ पर भी टारगेट रहता है, ये कंट्रीब्यूट भी हमारा करता है एंड इसके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और क्या क्या स्टेप्स है उसको भी आप कंक्लूड कर सकते हो। एंड देन मोस्टली और एक रहेगा जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जैसे आप तो पीओ हो तो वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड बी कंफर्टेबल इन एनी टाइप्स ऑफ पोजीशन, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट एंड साथ ही साथ अपना गेस्चर के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लो, सो दैट उस टाइम जो नर्वसनेस आएगा साथ ही साथ उसको आप मैनेज कर सकते हो इफेक्टिवली, राइट। और देर आर मैनी थिंग्स आपका इंडिविजुअली, ये पर्सन वाइज वैरी करेगा, सो इट डिपेंड्स। सो कुछ भी क्वेरीज है टू मेंशन एंड अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो, बिकॉज लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना जब भी आपका मेंस क्लियर हो जाता है यू कैन थिंक मोर, बस आपको अपना बेस्ट देना है फाइनल सिलेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ द फाइनल सिलेक्शन की भाई क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात रहेगा। अभी बस मेरा जो पर्टिकुलर चैलेंज रहता है हमेशा मैं अपने आप को खुद को चैलेंज देता हूँ कि अगर मेरा मेंस हो जाता है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट हूँ, दिस इज़ द इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन टाइप का, तो वहाँ पर अपना बेस्ट देना है। मैं अपना एफर्ट्स के ऊपर भरोसा रखता हूँ कि बस मुझे वो सेटिस्फेक्शन लेना है यार, अब मैं अपना बेस्ट दिया हूँ उस वहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन आपको डेफिनेटली फील होगा। जब आप मेंस क्लियर किए हो आपको मैं एक रिलेट करता हूँ, जब आप मेंस क्लियर किए हो बिफोर दैट अगर आप कभी मेंस में फेल हुए हो या प्रीलिम्स में फेल हुए हो आपको पता है जब आप एग्जाम दे के आते हो कहीं ना कहीं आपको ये फील हो जाता है यार ये मेरा नहीं हो सकता है। जब आपका क्लियर होने का चांसेस होता है देन आपको भी ये फील होता है यार इसमें मेरा होने का चांसेस है, सो दैट मीन्स यू नेचर के साथ ना एक पॉजिटिविटी का कनेक्शन रहता है, दैट मीन्स यू कैन फील कि वेदर यू आर गोइंग टू क्लियर और नॉट, ठीक है। वो एक फील डेफिनेटली रहता है हर एक एस्पिरेंट के साथ। सो यहाँ पर भी आपको एक फोकस वही करना है कि ये जो इंटरव्यू में बस आपको बेसिक के ऊपर सिंपल, डोंट थिंक टू मच, जो अभी आपको कोई बोलेगा कि इतना ये डेफिनेटिवली जितना भी हो सकता है जस्ट फर्स्ट लर्न द बेसिक थिंग्स, उसको आप जो जितना उसके बाद हमारा फोकस क्या रहेगा, फर्स्ट वी लर्न द बेसिक थिंग्स, वी लर्न द बेसिक एचआर क्वेश्चन, we'll learn the basic technical questions, situation based questions, ठीक है। उसके बाद हमारा main focus रहेगा कि हमें जितना पता है उसको successfully positive way में represent करना है, ठीक है, and execution, ठीक है।
ये दो तीन पॉइंट का फोकस कर लो, यू विल फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, कभी कभी आपको ये सुन के भी अलग लगेगा कि यू नो देयर विल बी अ लाइक आर्ट ऑफ सेइंग नो। अगर आपको नहीं भी आता है देन आप कैसे अपना फेशियल एक्सप्रेशन को मैनेज करके यू आर सेइंग सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल, वो भी एक इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट मोर इन दिस टॉपिक। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है, दिस इज द जस्ट बेसिक वन कि आपका अभी मेन गोल क्या होना चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि आज मैं भी इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। ठीक है, सो कुछ भी क्वेरीज है आपका या आपका फ्रेंड्स का जिनका अभी आफियर होने वाले हैं, अभी बैक टू बैक आ जाएगा, आरआरबी पीओ है, उसके बाद आईबीपीएस पीओ हो जाएगा, उसके बाद एसबीआई पीओ हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद एनआईसीएल वगैरह जो एओ वाला जो पोजीशन है उनका लिए हो जाएगा। सो यू विल हैव मेनी मोर एग्जाम्स टू कम। सो अपने ऊपर भरोसा रखो, जस्ट कीप गोइंग, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर एफर्ट्स, डेफिनेटली दिस ईयर इज योर्स, राइट? सो चीयर्स फॉर द सक्सेस एंड एंजॉय योर डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। Bye.